हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एमएस जोन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ ट्यूबलेस टायर वर्सेस टायर ट्यूब वाला टायर में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने शॉप में रहता हूँ और मुझे एनी टाइम टायर ट्यूब ऐसे लगाते रहता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ एनी टाइम टायर भी रहता है। तो फ्रेंड्स, कस्टमर रहता है वो कंफ्यूज रहता है, खासकर ये वीडियो स्कूटी के लिए है और स्कूटी का टायर के लिए है। कंफ्यूज ये रहता है फ्रेंड्स कि उसको पता नहीं चलता है कि भैया मैं ट्यूबलेस टायर लगाऊं कि ट्यूबलेस टायर लगाऊं। तो फ्रेंड्स, मैं तो उन्हें समझा देता हूं कि कौन सा टायर बेस्ट होता है या अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा दूर में रहते हैं, कोई अदर स्टेट में है, तो उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो टायर ट्यूब वाला टायर लगाए कि ट्यूबलेस टायर लगाए, और इसका रनिंग कैपेसिटी कितना होता है फ्रेंड्स, कौन कितना किलोमीटर चल सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी किसका अधिक है, और साथ ही साथ किसका रेट कम है या किसका रेट ज़्यादा है, आज मैं इसी वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्टिंग करते वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं एमएस जोन, मतलब मां शारदा सर्विस सेंटर। फ्रेंड्स, यहां देख सकते हैं ये जो दोनों टायर है, एक टायर ट्यूब वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब पिन लगा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं ये टायर ट्यूब वाला है, ये तो आपको पता ही होगा, और यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ट्यूबलेस टायर है, तो ये बताने का जरूरत नहीं, बट मैं बता दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों टायर है दोनों टीवीएस कंपनी का, यहां देख सकते हैं टीवीएस कंपनी का, ये भी है टीवीएस का ड्रैगन टायर है, तो दोनों में टीवीएस कंपनी का भी बात कर रहा हूँ, और भी कंपनी है टीवीएस में है, जैसे एमआरएफ हो गया, सीएट हो गया, और भी कंपनी है जैसा कि देख सकते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ आपका स्पेशल टीवीएस टायर, वो बात करना मेरा मैटर नहीं है, आज मैं बात करने वाला स्पेशली टायर ट्यूब वाला और ट्यूबलेस वाला। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, जो ट्यूबलेस टायर है इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं कि इसका जो बिल्ट क्वालिटी है वो काफ़ी है, और इसका थोड़ा सा दबा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं ट्यूबलेस टायर है, तो ये जो रहता है बिना ट्यूब का ही हवा इसमें जाता है और ये अपने आप ये फूल जाता है, मतलब 40-50 पॉइंट हवा दे के आराम से आप इसे चला सकते हैं, तो ये क्वालिटी थोड़ा सा अजीब टाइप का बनाया जाता है, जिससे ये ट्यूब की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फ्रेंड्स, जो आप देख सकते हैं ये टायर ट्यूब वाला, तो ये बिना ट्यूब का ये चलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया रनिंग किस में ज़्यादा रहता है, तो फ्रेंड्स आज मैं बात कर देता हूँ, बता भी देता हूँ कि रनिंग किसका है। तो फ्रेंड्स, दोनों का रनिंग बहुत ही अच्छा रहता है, अगर आप ट्यूबलेस टायर लगाएं तो आपका मैक्सिमम चलेगा 30,000 किलोमीटर स्कूटी में, अगर आप ये टायर भी लगाइएगा तो भी 30,000 किलोमीटर चलेगा। अब फ्रेंड्स, इसमें शर्त ये है कि बहुत लोग बोलते हैं भैया कम चलता है, तो फ्रेंड्स देखिए, रोड में चलते हैं तो कील तो जरूर लगते हैं, और जब कील लगते हैं तो जैसे यहाँ पर अगर छेदा हो जाता है, तो ये देखिए ट्यूबलेस टायर में रहता है कि अगर आप पेच लगाते हैं यहाँ पर, जो एक पेच रहता है पंचर बनाने वाला, तो वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, इसके कारण ट्यूबलेस टायर वो खराब हो जाता है, यही होता है वो भी कांटी लगने से, वरना इसका क्वालिटी काफी अच्छा है। आजकल जितने भी बाइक हो गए, स्कूटी हो गए, सब में अब ट्यूबलेस होने लगे हैं, और इसमें एक चीज और खासियत ये हो गया फ्रेंड्स कि अगर आपका पंचर हो गया तो आप हवा देख के कम से कम मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं, 20-22 किलोमीटर आराम से पहुंच सकते हैं, उसके बाद आप कील निकाल के पंचर भी बना सकते हैं, पंचर का भी ज्यादा रेट नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि ये पेच हो गया इसे आप लगा के ज्यादा, मतलब 50 रुपए में पंचर बन सकता है, वो भी बिना चक्का खुले हुए, तो ये एक फायदा हुआ कि पंचर में भी आप 20-30 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं, अच्छा खासा अपना मंजिल में पहुंच सकते हैं, उसके बाद अपना काम करके पंचर बना के आप वापस घर भी आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो टायर ट्यूब वाला, इसमें वो क्वालिटी नहीं है, अगर ये पंचर हो गया तो लाए आपका स्कूटी चल जाए, मान जाएंगे कुछ नहीं चलेगा, स्कूटी आपका चल भी नहीं करता है, डोरियाते आता है, लोग कहते हैं कि बनाए, लेकिन इसका भी आप जिक्र नहीं कर सकते, अगर कांटी नहीं लगे तो ये भी 30,000 से 35,000 किलोमीटर रनिंग करता है, ये इसमें भी क्वालिटी है, मेरे पास भी स्कूटी है, तो ऐसे में टायर ट्यूब वाला पहले का मॉडल है तो टायर ट्यूब वाला ही, और वो भी लगा, आजकल का जितना मॉडल अगर ट्यूबलेस दिया है तो आप ट्यूबलेस को ही लगा दें, और टायर ट्यूब में आप मत जाइए, अगर ट्यूबलेस आपका लगा है तो ट्यूबलेस ही लगाइए, और टायर ट्यूब लगा है तो टायर ट्यूब लगाए, दोनों का रनिंग सेम है, बस कील ना गड़े तो 30,000 किलोमीटर अच्छा खासा रनिंग है। अब फ्रेंड्स, यहाँ रेट की बात किया जाए तो फ्रेंड्स रेट सबसे ज्यादा रहता है टायर ट्यूब वाला में, क्यों रहता है फ्रेंड्स इस चीज का भी मैं बता देता हूँ। देखिए
ये जो टायर है ट्यूबलेस वाला, इसका में ट्यूब नहीं रहता, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक ट्यूब दिया जाता है। और ये जो टायर है टीवीएस का, इसकी कीमत है 1250 रुपया टायर ट्यूब वाला। और ये जो ट्यूबलेस है इसकी कीमत आप लोगों को पड़ेगी 1150, मतलब 100 रुपये का डिफरेंस है। कंपनी अगर ट्यूब नहीं लगाती है तो 100 रुपया ऐसे भी देती है, अगर आप ट्यूब नहीं भी लगाना चाहते तो 100 रुपया लेस करती है। बस वही चीज इसमें भी लागू होता है, 100 रुपया का अंतर रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया कि कौन सा टायर लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।